अफ्रीका के सेरेंगेटी के सुदूर मैदानों में 260 वर्ग किलोमीटर का एक क्रेटर है जिसका नाम है एंगोरोंगोरो। ये मरने और मारने वाला इलाका है और यहाँ जबड़ों और पंजों का राज चलता है। इस क्रेटर फ्लोर पर लगभग 80 शेर रहते हैं। ये दुनिया में शेरों का सबसे घनत्व वाला इलाका है। यहाँ दबदबा रखने वाले झुंड में 6 शेरनियाँ, उनके 12 बच्चे और इन सब की हिफाजत करने वाला एक नर शेर है और उस दमदार शेर का नाम है रोबिला। इस झुंड के 12 बच्चों में से 2 बच्चों को 4 घुसपैठिया नर शेर मार डालते हैं, जिसके बाद पूरा झुंड बच्चों की हिफाजत में लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या रोबिला उन 4 घुसपैठिया शेरों से अपने 2 बच्चों की मौत का बदला लेता है या नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मेरे चैनल की वीडियोस पर जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ और जो कमेंट बहुत ही अच्छा होता है उसे मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी लगाता हूँ। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भर भर के कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना ताकि आप अपने अच्छे से कमेंट को मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर देख सको। इस झुंड की हिफाजत भले ही रोबिला करता हो लेकिन परिवार के पेट भरने की जिम्मेदारी फीमेल लायनेस ही करती है। इस मरने और मारने वाले इलाके में ये झुंड कुछ इस प्रकार काम करता है। छिपकर शिकार के पास पहुंचने के लिए पैनी सूखी घास बिल्कुल सही कैमोफ्लाज उपलब्ध कराती है। कई बार ये अकेले काम करते हैं तो कई बार तालमेल के साथ सामूहिक हमला करना पड़ता है। घात लगाकर तेजी से किए गए हमले में शिकार पर जानलेवा वार होता है। 450 किलो की भैंस को सिर्फ 180 किलो की शेरनी काबू में कर लेती है, लेकिन असल में ये ताकतवर मांसपेशियों का कमाल है। शेर 30 लाख साल में विकसित हुई एक जानलेवा मशीन है। ऐसा माना जाता है कि इनका विकास लेपर्ड जैसे एक पूर्वज से हुआ है। अकेले शिकार करने वाले ये जानवर जंगल में पीछा करके और घात लगाकर छोटे जानवरों को पकड़ते थे, लेकिन पिछले कुछ लाख वर्षों में जंगलों के सूख जाने से इनके इलाके घास के मैदानों में तब्दील हो गए और इस जानवर ने चिट्टियों की जगह एक ऐसी खाल विकसित कर ली जो इस नए इलाके के अनुरूप थी। जानवरों का शिकार करने के लिए विकसित होने पर शेरों के इन पूर्वजों ने ज्यादा लंबी टांगे और बड़े बड़े जबड़ों को ताकत देने के लिए गर्दन में विशाल मांसपेशियां विकसित कर ली। इसके साथ पलक झपकते ही हरकत करने वाले रिफ्लेक्सेस के मिल जाने से इन सबसे ऊंचे दर्जे का परभक्षी तैयार हो गया। इस झुंड का वजूद इनके शिकार करने के हुनर पर निर्भर करता है, क्योंकि इस झुंड के सभी बड़े कैट्स को हर दिन 9 किलो मांस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये किसी भी जानवर का शिकार करने से पीछे नहीं हटते। एक बड़ी भैंस और जेब्रा का शिकार करने के बाद अब झुंड के एक शेरनी की नजर है ग्रैंड्स गैजल के झुंड पर। गैजल शेरों से ज्यादा तेज भागते हैं, लेकिन ये कोई रेस नहीं है बल्कि रणनीतियों का खेल है और गैजल दलदली इलाके में लड़खड़ाते हुए गिर जाता है, जिसके बाद शेरनी उस गैजल का काम तमाम कर देती है। यहाँ शिकार को खाने के टाइम तमीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस मामले में शेर अकेले नहीं है। इनके सबसे बड़े दुश्मन भी खून खराबे की ओर खींचे चले आते हैं और जब ये प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े हो तो जानलेवा लड़ाई छिड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इस जानलेवा इलाके में शिकार को लेकर हायनास और शेरों के बीच मुकाबले होते रहते हैं। कुछ दिन पहले हायनास ने शेरों से उनके शिकार को छीनने की कोशिश की थी, तो आज शेर हायनास से उनके शिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हथियारों से लैस शिकारी जानवर है। छिपकर आगे बढ़ना या अचानक हमला करना हायनास का तरीका नहीं है। ये अपने दम खम का इस्तेमाल करते हैं और बिना थके 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक अपने शिकार का पीछा करते रहते हैं और ये शिकार के मिलने के बाद उनका अंत भी क्रूरता से करते हैं। ये विल्ड बिस्ट थक कर बैठा है और हायनास ने इसको जिंदा ही खाना शुरू कर दिया है। भूखे हायनास शेर के बच्चों पर भी रहम नहीं करते, इसीलिए झुंड का बड़ा नर हमेशा सतर्क रहता है और शेरनियों के अलावा बच्चों की भी हिफाजत करते रहता है। लेकिन इस बार हायनास से भी बड़ा और विशालकाय खतरा रोबिला के इलाके में घुसपैठ करते रहता है। बे इलाकाई जवान शेरों का एक समूह इलाके में काफी अंदर तक घुस जाते हैं। इस समूह में 4 जवान शेर रहते हैं और चारों के चारों झुंड के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुछ
समय बाद वही होता है जिसका डर था। यानी चार शेरों में से एक शेर बड़ी ही बेरहमी से दो नन्हे बच्चों को जान से मार डालता है। हालांकि इन बच्चों का पिता रॉबिला पहले से ही सतर्क था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद उसने न केवल बच्चों को मारे जाने का पता लगा लिया, बल्कि उसने उन चार घुसपैठिया शेरों की गंध का भी पता लगा लिया। उसके बाद रॉबिला भी अपने इलाकों की सरहदों पर अपने तेज गंध वाले यूरिन का छिड़काव करता है ताकि उन घुसपैठियों को जल्द से जल्द पता चल जाए। लेकिन उन चार शेरों को रॉबिला की चेतावनी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे उसके इलाके में घुसते ही चले जाते हैं। झुंड के शावकों के लिए अब ये खतरा गंभीर हो गया है और इन बच्चों का पिता अपने इलाके में खोजबीन कर रहा है, लेकिन वे चारों इलाके के किसी भी हिस्से में छुपे हो सकते हैं। शायद वे चारों रॉबिला के परिवार को छिन्न भिन्न करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हो। एंगोरोंगोरो के शेर घुसपैठिया शेरों से शावकों को होने वाले खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ है। आज की रात पूरा झुंड सतर्क रहेगा और आज रात को ही वे बे इलाकाई शेर रॉबिला के झुंड के काफी करीब पहुँच चुका है। हर कोई यहाँ होने वाले मुकाबले के लिए तैयार है। गहरे अंधेरे में वे चार घुसपैठियों ने रॉबिला के इलाके में एक विल्ड बीस्ट को मार गिराया है और ऐसा उन्होंने रॉबिला के झुंड से और रॉबिला से लड़ने के मकसद से किया है। वे चारों विल्ड बीस्ट को खाते रहते हैं और उसी ताजे शिकार की गंध से रॉबिला को उन चारों तक पहुँचने का रास्ता मिल जाता है। और कुछ समय बाद उसी ताजा शिकार की गंध ने इस इलाके पर दबदबा रखने वाले रॉबिला शेर को सीधे उन चार घुसपैठियों तक पहुंचा दिया। चार घुसपैठियों के मुकाबले रॉबिला अकेला ही रहता है। इसके बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितने शेर हैं। कम उम्र वाले उन चार शेरों में से एक शेर रॉबिला के बड़े आकार को देखकर पहले ही भाग जाता है। उसके बाद जैसे ही रॉबिला करीब आया और जरा सा लड़ने के लिए तैयार क्या हो गया कि दूसरा शेर भी वहाँ से भाग गया, लेकिन बाकी दो घुसपैठिये अड़े रहे। इनके जैसे नौजवान शेर अपनी जवानी के अंतिम दौर में पहुंच रहे राजा का तख्ता पलट सकते हैं, लेकिन इस राजा का नहीं, क्योंकि ये पीछे हटने वाले शेरों में से नहीं था और यही इरादा जानकर तीसरा शेर भी वहां से भाग गया। लेकिन चौथा शेर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस बदमाश को कैसे सबक सिखाना है ये रॉबिला बखूबी जानता है। लेकिन वो चौथा नौजवान शेर जो भी हो वो बहुत ही दमखम के साथ रॉबिला से लड़ता है, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। रॉबिला उसे अच्छे से सबक सिखाकर भगा देता है, जिसके बाद वे चारों बे इलाकाई शेर काफी दूर चले जाते हैं। उसके बाद रॉबिला का झुंड उन चारों द्वारा किए गए शिकार पर कब्जा कर लेते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। इतने तनाव के बाद अब ये झुंड सुकून से रह सकता है। दोस्तों, इस कहानी में जो रॉबिला नाम का शेर है उसका असल में कोई नाम नहीं है। मैंने बस इस कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए खुद से ही उस शेर का नाम रॉबिला रख दिया है। हालांकि कहानी पूरी तरह से सच है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मेरे चैनल की वीडियोस पर जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, और जो कमेंट बहुत अच्छा होता है उसे मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी लगाता हूँ। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भर भर के कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना ताकि आप अपने अच्छे से कमेंट को मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर देख सको। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।